तो दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार एंड बॉलीवुड के स्टंटमैन टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां जिसे अली अब्बास जाफर डायरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों ये मूवी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है, तो वहीं इस मूवी से एक और बड़ी खबर हमें देखने को मिली है और वो है इस मूवी के अपकमिंग वीडियो सॉन्ग को लेकर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि मेरी खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नोरा फतेही के भी एक सॉन्ग को कास्ट किया जाना है, जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार और साथ साथ नोरा फतेही तीनों की दमदार जोड़ी एक साथ एक ही वीडियो सॉन्ग में देखने को मिलेगी। सोर्सेस का कहना है कि ये सॉन्ग इस मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा, जिसमें नोरा फतेही को कास्ट किया जाएगा और साथ ही साथ ये सॉन्ग एक डांस नंबर सॉन्ग होने वाला है, जिसमें हमें तीनों ही कलाकार एक साथ पहली बार बड़े स्क्रीन पर डांस फ्लोर पर थिरकते नजर आएंगे। और यकीन मानिए, अगर ये रूमर सच होते हैं तो ये सॉन्ग बॉलीवुड इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा सॉन्ग होगा, क्योंकि जहां एक और खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है, तो है दूसरी ओर नोरा भी काफी अच्छा खासा फैन बेस रखती है और इंडिया में इनके सॉन्ग्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सॉन्ग कितना ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है। जहां बड़े मियां छोटे मियां के ओरिजिनल वर्जन में हमें लीडिंग कास्ट के रूप में गोविंदा, अमिताभ बच्चन, परेश रावल और रवीना टंडन लीडिंग कास्ट के रूप में नजर आए थे, तो वहीं अब की बार हमें इस मूवी के ऑफिशियल रीमेक वर्जन में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी इस मूवी के फीमेल एक्ट्रेस को कास्ट नहीं किया गया है, यानी कि अभी इस मूवी के लिए फीमेल एक्ट्रेस को चूज करना बाकी है। आपको बता दें, ये मूवी एक फुल्ली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जाफर। तो इस मूवी को अगले साल यानी कि 2023 में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है, तो इस मूवी से हमें आने वाले सॉन्ग नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है इस मच अवेटेड मूवी और इस मूवी से आने वाले सॉन्ग्स को देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइए।